पाव भाजी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 9 से 10 टमाटर ले लिया है धुल के काट कर, बारीक कटा हुआ 4 मीडियम साइज का प्याज भी ले लिया है और 2 शिमला मिर्च ले लिया है। टमाटर और शिमला मिर्च दोनों को हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे और प्याज का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। और यहाँ पर मैंने आधा मीडियम साइज के फूल गोभी काट के रख लिए हैं, इसको भी इसी में डाल देंगे। 1 कप हरा मटर डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे, लगभग 1 कप के करीब। और अब कुकर का ढक्कन बंद करने के बाद 3 से 4 सीटी देने तक इसे हम पकाएंगे। जब तक हमारी सब्जियां उबल रही हैं, चलिए हम आगे का काम कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई गैस पर चढ़ा दिया है और अब हम इसमें डालेंगे देसी घी। आप इसके जगह पर बटर भी यूज कर सकते हैं। देसी घी में बनाएंगे फ्रेंड्स तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप चाहें तो इसे तेल में भी बना सकते हैं। घी गर्म होने के बाद इसी में बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और 1 चम्मच डाल देंगे जीरा। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और इसे चलाते हुए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। एक बार फ्रेंड्स आप हमारे तरीके से ये पाव भाजी बनाकर खाइएगा, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कुकर का प्रेशर निकल चुका है, सब्जियाँ हमारी अच्छी तरह से गल गई हैं। और अब हम टमाटर के सारे छिलके उतार लेंगे, इसे एक बर्तन में पलट देंगे और इसके सारे छिलके उतार लेंगे। बहुत आसानी से ये छिलके उतर जाते हैं। आप चाहें फ्रेंड्स तो कुकर में ही सब्जियों को मैश कर सकते हैं। हम इसे कढ़ाई में ही डालकर तुरंत मैश करेंगे। सारे छिलके उतर गए हैं टमाटर के और यहाँ पर हमारा प्याज भी फ्राई हो रहा है। और अब हम उसी कुकर में 2 मीडियम साइज का आलू डालकर उबाल लेंगे। आलू को मैंने छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें तो सब्जियों के साथ ही आलू को उबाल सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी में भूल गई फ्रेंड्स, इसीलिए मुझे दोबारा कुकर चढ़ाना पड़ गया। और प्याज फ्राई होने के बाद 2 इंच मैंने बारीक कटा हुआ अदरक डाल दिया है और हरी मिर्च डाल दिया है बारीक कटा। हरी मिर्च को आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हरी मिर्च और अदरक को 2 मिनट तक फ्राई करेंगे और इसके बाद हम डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर। इसी के साथ साथ डाल देंगे 4 चम्मच पाव भाजी मसाला, 1/2 चम्मच काला नमक डाल देंगे और 1 चम्मच डाल देंगे सफ़ेद नमक। ध्यान रहे फ्रेंड्स, दोनों नमक को मिलाकर स्वाद के अनुसार डालेंगे। मसाले को अच्छी तरह से मिला देंगे और इसी के साथ साथ डाल देंगे इसमें 1 कप हरा मटर। हरा मटर को मैंने सब्जियों के साथ उबाला था, अगर मैं आपको पसंद हो ऊपर से तो डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। और अब मटर को पकने के लिए इसे 2 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पर ढक देंगे। 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मसाला हमारा अच्छी तरह से भून गया है और मटर भी अच्छी तरह से गल गया है। और अब हम इसी में सारे सब्जियों को डाल देंगे और इसी के साथ साथ डाल रहे हैं हम 2 चुटकी रेड कलर। इससे हमारे पाव भाजी का कलर बहुत अच्छा आता है। और इसी के साथ साथ आलू भी डाल देंगे। और अब इन सबको डालने के बाद मैशर से इसे अच्छी तरह से मैश करेंगे। इसी तरीके से देखिए कढ़ाई में ही मैश कर लेंगे। गैस को लो फ्लेम पर रख देंगे और इसे अच्छी तरह से मैश करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जियाँ अच्छी तरह से मैश हो गई हैं। और अब हम इसी में डाल देंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसी में डाल देंगे 1 ग्लास पानी। पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और 2 से 3 मिनट तक के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर ढककर पकाएंगे। एक बार फ्रेंड्स आप हमारे तरीके से ये पाव भाजी बनाकर जरूर से खाइएगा। और हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और 2 से 3 मिनट बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा भाजी अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गया है। ये देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, तो खाने में कितना टेस्टी होगा, ट्राई ज़रूर से करिएगा। और अब हम ऊपर से थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे और थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। और अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। बनकर तैयार है हमारा स्वादिष्ट पाव भाजी। और अब हम ऊपर से थोड़ा सा पनीर कद्दूकस करके डाल देंगे। पनीर डालने से इसकी खूबसूरती और टेस्ट दोनों बढ़ जाती है। इसी तरीके से कद्दूकस करके डाल देंगे। चलिए अब हम इसे निकालते हैं और इसकी खूबसूरती और बढ़ाते हैं। इसे निकालने के बाद एक बर्तन में इसके ऊपर से थोड़ा सा पनीर कद्दूकस कर देंगे। जिसको भी देंगे वो देखते ही खुश हो जाएगा, कितना अच्छा भाजी बनकर तैयार हुआ है।
थोड़ी सी धनिया की पत्ती ऊपर से डाल देंगे और अनियन रिंग से सजाएंगे, ये देखने में और भी सुंदर लगेगा। और अब भाजी सजाने के बाद चलिए हम पाव को सेक लेते हैं। यहाँ पर मैंने तवा गैस पर चढ़ा दिया है और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा देसी घी। देसी घी की जगह आप बटर का भी यूज कर सकते हैं। और ऊपर से थोड़ी सी धनिया की पत्ती डालेंगे और इसी पर पाव को बीच में से काट कर रख देंगे और उलट पलट कर लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। हल्का फ्राई करना, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। और लीजिए फ्रेंड्स, हमारा पाव भी सेक कर तैयार हो चुका है। और हाँ फ्रेंड्स, भाजी में खाते समय ऊपर से बटर या घी जरूर से डालिएगा, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अपने नए नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।